हम सभी स्वीडन में उपस्थित भारतवासियों को एवं हमारे स्वीडिश मित्रों को संबोधित करें। नमस्ते मेरे मित्र, स्वीडन के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री लवेन, भारतीय मूल के मेरे ऊर्जावान सभी दोस्तों, स्वीडन निवासी अन्य सभी मित्रगण, गत क्लेव, गुड इवनिंग। आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। स्वीडन में मेरे और डेलीगेशन के स्वागत सत्कार के लिए यहाँ की जनता और सरकार का, विशेष रूप से हिज मैजेस्टी किंग ऑफ स्वीडन और स्वीडन के प्रधानमंत्री श्रीमान लवेन, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री लवेन जी ने अभी अपने संबोधन में जो गर्म जोशी भरे शब्द कहे, उन्होंने मेरे मन को छू लिया। कल रात उन्होंने स्वयं एयरपोर्ट पर आकर मेरा स्वागत किया। इतना ही नहीं, मुझे होटल तक छोड़ने के लिए आए। ये सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका और 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इन्हीं भावनाओं के चलते वे 2016 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने भारत आए थे और पिछले वर्ष स्वीडन में उसी तरह के आयोजन में स्वयं ने जाकर के हिस्सा लिया था। स्वीडन में बसने वाले भारतीयों के लिए उनके मन में जो स्नेह है और भारत के प्रति उनके प्यार और पैशन के लिए मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, स्वीडन के प्रधानमंत्री के लिए खड़े होकर के उनका सम्मान करें तालियों के साथ। साथियों, अपनी इनोवेटिव स्किल से, प्रोफेशनल एटीट्यूड से, कल्चरल इंटीग्रेशन की भावना से और इंडियन वैल्यूज के माध्यम से आपने सबने यहां एक अलग पहचान बनाई है। भारत के बाहर रहते हुए भी आपने जिस प्रकार भारतीयता को, भारत की आत्मा को अपने भीतर संजोकर रखा है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप में से कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, कोई बांग्ला, कोई मराठी,
भारत में करीब करीब 100 भाषाएं हैं, 1700 बोलियां हैं। अगर मैं सबकी सूची बोलने लगूंगा तो शायद सुबह तक मेरा भाषण ही शुरू नहीं होगा। भाषा अलग हो सकती है, स्थितियां परिस्थितियां अलग हो सकती है, लेकिन एक बात है जो हम सभी को एक सूत्र में परोती है, और वो बात है भारतीय होने का गर्व। यही वो भावना है जो हमें एक दूसरे के साथ बांधती है, जोड़ती है, मुश्किल समय में साथ खड़े होने की एक प्रेरणा देती है, नई ऊर्जा देती है, नया संकल्प देती है। यही वो भावना है जिसके चलते जब कहीं से भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष कान में पड़ता है, हम सब के सब उठ खड़े होते हैं। यही वो भावना है जिसकी वजह से भारत की हर सफलता पर मैरी कॉम और साइना नेहवाल जैसे भारतीयों की सफलता पर हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। साथियों, देश परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो भारत की साख के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रही है। चार साल पहले भारत की जनता ने हमें सबका साथ सबका विकास का अभूतपूर्व मैंडेट दिया था। पिछले चार वर्षों में हमने विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के लिए, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए भरसक प्रयास किया है। हमने स्वतंत्र भारत के 75 साल होने तक, यानी सन 2022 तक, जबकि भारत की आजादी के 75 साल होंगे, संकल्प से सिद्धि का प्रण लिया हुआ है। साथ ही हमने विश्व में भारत की समृद्ध परंपरा के लिए और भारतीयता के लिए सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या आयुर्वेद की बात हो, चाहे वसुधैव कुटुंबकम का प्राचीन भारतीय विजन हो या प्रकृति के साथ संतुलन और समन्वय का दर्शन हो, हमारे प्रयास और आपका सहयोग भारत को फिर से विश्व में एक थॉट लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। साथियों, यही नहीं, अफ्रीका हो या पैसिफिक ओशन के छोटे देश, आप फिर आसियान या यूरोप या एशिया, सभी आज भारत को एक विश्वसनीय साथी, एक भरोसेमंद मित्र के रूप में देख रहे हैं। नेपाल में भूकंप हो या श्रीलंका में बाढ़ का जल संकट आता है, तो मानवता आज भारत की ओर देखती है। यमन में युद्ध के बीच से हमने न सिर्फ 4000 से अधिक भारतीयों को, बल्कि लगभग 2000 विदेशियों को भी यमन की इस युद्ध की ज्वालाओं के बीच से निकालकर सलामत रूप से उनके घर पहुंचाया।
पिछले चार वर्षों में हमारे द्वारा एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे भारत में दुनिया की आशा और विश्वास दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट का आयोजन किया गया। ग्रीन अर्थ के लिए भारत के इस बड़े इनिशिएटिव से थोड़े से समय में 60 से अधिक देश उसके साथ जुड़ चुके हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम हो MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो या फिर वासनार अरेंजमेंट, इन तीनों रिजिम्स में भारत की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और स्वीकार्यता का जीता जागता सबूत है। साथियों, हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का दुनिया लोहा मान रही है, आप भी अनुभव करते होंगे। आपका रुतबा भी तो उसी टेक्नोलॉजी के कारण है। भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में से एक है। भारत का स्पेस प्रोग्राम उच्चतम क्वालिटी का तो है ही, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यही वजह है कि हम दुनिया के कई ऐसे देशों की उम्मीद भी बन गए हैं जिनका अपना स्पेस प्रोग्राम नहीं है। पिछले वर्ष ही हमने साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो हमारे पड़ोसी मित्र देशों के काम उनकी सेवा में रत है। साथियों, देश के भीतर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अब सरकार और सिटीजन्स के बीच एंगेजमेंट का तरीका बदल गया है। सरकार तक पहुंच अब प्रिविलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिस हो गई है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सीधे सरकार से संवाद कर रहा है। सरकार के काम करने के तरीकों की जो तस्वीर पहले आपके दिमाग में थी, वो अब बदल चुकी है। अब सरकारी दफ्तरों में फाइल रोक कर रखने का कल्चर नहीं है, बल्कि जो काम सालों से अटका पड़ा है उसे पूरा करने पर जोर है। आज भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है। 42 रैंक्स की छलांग लगाकर भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली बार टॉप 100 में आया है। देश की इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम में किए गए ऐतिहासिक रिफॉर्म GST को उद्योग जगत अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है। देश के टैक्स बेस में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और बिजनेसमैन जो पहले तरह तरह के चेक नाकों से परेशान रहते थे, अब टेंशन फ्री हो गए हैं। सोशल वेलफेयर के लिए JAM यानी जनधन का बैंक खाता, आधार की पहचान और मोबाइल टेक्नोलॉजी की व्यवस्था के बारे में आपने सुना होगा। इन तीनों को मिलाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था बनाई गई है और इससे वेलफेयर स्कीम्स का सीधा लाभ उनको मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए,
इससे सरकार ने गरीबों के हक के, और ये आपको जानकर के खुशी होगी, पहले एक जमाना ऐसा था कभी कभी जो बेटी पैदा नहीं हुई वो बीड़ो हो जाती थी और बीड़ो का पेंशन निकलता था, समझे क्या? लेकिन आज स्थिति बदली है और गरीबों के हक का पैसा उनको सीधा मिल रहा है, और ये जो गोस्त थे, भूतिया लोग थे, इनके नाम निकल जाने से आपको जानकर के खुशी होगी, इस एकमात्र योजना से 83,000 करोड़ रुपये, 83,000 करोड़ रुपीज, यानी कि $12 बिलियन से भी ज्यादा रुपया जो गलत हाथों में जाता था, लीक हो जाता था, वो सारा का सारा धन बच गया है। ये पैसे आपके हैं, देशवासियों के हैं, गरीब के हैं। साथियों, गरीबी हटाने की जो पहले सिर्फ बातें और नारे होते थे, अब उस कल्चर को भी हम पीछे छोड़ आए हैं। देश के गरीब का जीवन ऊपर उठाने के लिए एम्पावरमेंट को टूल बनाया गया है। एम्पावरमेंट चाहे सोसाइटी के वीकर सेक्शन का हो या फिर महिलाओं का, सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र सच्चाई में आज बदलाव का कारण बन रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम देश भर में गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हमने 2020 तक 80 मिलियन कनेक्शंस 8 करोड़ लोगों को गैस पहुंचाने का टारगेट रखा है, और 2 लाख से भी कम समय में, लगभग 2 साल के भी कम समय में, लगभग 36 मिलियन कनेक्शन यानी करीब करीब 3,60,00,000 कनेक्शन हम दे चुके हैं। हमारी माताओं और बहनों को जहां पहले खाना पकाते हुए लकड़ी के चूल्हे से जब खाना पकाती थी, तो दिन भर में करीब करीब 400 सिगरेट का धुआं उनके शरीर में जाता था, सिगरेट का धुआं फूंकना पड़ता था। आज उन्हें क्लीन कुकिंग फ्यूल मिल रहा है, कुकिंग गैस की उपलब्धता भी सुधर गई है। आप में से कई लोग कई वर्षों पहले भारत से निकले होंगे, आपको याद होगा उस समय गैस सिलेंडर तक ब्लैक मार्केट में मिलता था, उसके लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती थी या फिर पड़ोसियों से सिलेंडर मांगने पड़ते थे, तब जाकर के घर में खाना पकता था। आज ये हाल है कि गैस एजेंसी वाला आपको मोबाइल पर कॉल करके बोलता है, बहुत टाइम हो गया, सप्लायर पूछता है क्या सिलेंडर ले आऊं क्या। मुद्रा जैसी माइक्रो फाइनेंस स्कीम के माध्यम से देश के कोने कोने में एंटरप्रेन्योर्स को नए अवसर दिए जा रहे हैं। जिन लोगों को कोई लोन नहीं देता था, जिनके छोटे छोटे बिजनेस प्लान्स के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उनके लिए हमने मुद्रा योजना बनाई, और परिणाम यह है कि इस योजना से अब तक कुल मिलाकर 5.3 लाख करोड़ रुपये यानी लगभग $90 बिलियन के 12 करोड़ 120 मिलियन लोन दिए जा चुके हैं। इस
ये 120 मिलियन लोन नहीं है, ये 120 मिलियन सपने हैं जिन्हें साकार करने के लिए हमने मुद्रा नाम की व्यवस्था खड़ी की है। ये जॉब क्रिएशन का भी बड़ा जरिया साबित हो रहा है। इन एंटरप्रेन्योर्स में से 74%, आपको खुशी होगी, विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुद्रा योजना से जो लाखों करोड़ रुपए दिए गए उसमें से 74% इसे प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं। अटल इनोवेशन मिशन, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भविष्य की आर्थिक प्रगति के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में 1,00,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया, 100,000 स्टूडेंट्स, और हजारों की संख्या में उन्होंने देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में 36 घंटे एक साथ बैठ करके नए नए सॉल्यूशन खोज करके सुझाव दिए। मैंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर की इन युवा प्रतिभाओं के साथ समय बिताया। इस प्रकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी क्रिएट कर रहे हैं। आज हमने स्वीडन के साथ इनोवेशन पार्टनरशिप की है, जनवरी में इसराइल के साथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया। इनोवेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये तभी काम आते हैं जब देश के नागरिक का जीवन स्तर अच्छा हो। आज सरकार का फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत शुरू करने का ऐलान किया गया है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है दोस्तों। इसकी बराबरी दुनिया में कहीं संभव ही नहीं है, और अभी इसके एक चरण को लॉन्च किया गया है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला, देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जाल बिछाना, और दूसरा, देश की 40% सबसे गरीब आबादी को 5,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देना। दोस्तों, ये सिर्फ रिफॉर्म नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमारा संकल्प है कि हम भारत को ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे। साथियों, इस साल 2 अक्टूबर से भारत ही नहीं बल्कि विश्व महात्मा गांधी के जन्म का 150वां साल मनाएगा। हमने तय किया है कि हम इस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का महायज्ञ रचेंगे। हमारे आगे रास्ता लंबा भले हो, लेकिन हमारी राह सही है, और मंजिल पर पहुंचने का हमारा संकल्प अड़िग है। फ्रेंड्स, इस ट्रांसफॉर्म इंडिया, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए स्वीडन के साथ अपनी मजबूत साझेदारी को भी हम बहुत अहम मानते हैं। स्वीडन ही नहीं, दूसरी नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भी अपनी साझेदारी को हमने नए स्तर पर ले जाना तब निर्णय किया है और उस दिशा में प्रयास किया है। स्वीडन के अलावा आज मुझे डेनमार्क, नॉर्वे,
आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ भी विचार विमर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्विपक्षीय बातचीत के अलावा पहली बार नॉर्डिक देश और भारत के नेताओं के बीच इंडिया नॉर्डिक समिट अभी कुछ देर पहले संपन्न हुआ। इनोवेशन, स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए हमने आपसी साझेदारी को और मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्णय किया। फ्रेंड्स, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इंटरनेशनल स्टैंडिंग में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। स्वीडन में हमारी एम्बेसी भले ही एक है, लेकिन हमारे एम्बेसेडर एक अकेले नहीं है, आप सभी भारत के एम्बेसेडर हैं। लेकिन आज मैं यहां आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, आप भारत के साथ सिर्फ इमोशनल कनेक्ट तक सीमित न रहें। आप में से जो इनोवेट, ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आज उभरते हुए न्यू इंडिया में एक अवसर का भंडार है। न्यू इंडिया आपका इंतजार कर रहा है और अब तो भारत और स्वीडन की डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई है। तो फिर देर किस बात की? भाई और बहनों, समय की कमी है, मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए लंदन पहुंचना है, लेकिन इतने कम समय में भी आपने मुझे अपने साथ जुड़ने का, आपसे बातचीत करने का अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आप यहां आए न्यू इंडिया की बात बताने में मुझे और उमंग आया, और आनंद आया। आपने मुझे मौका दिया, आपके सत्कार और आशीर्वाद के लिए एक बार फिर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय समुदाय के प्रति उनका जो प्रेम है, भारत के प्रति उनका प्रेम है, आज रूबरू में हमारे बीच आकर के उस अटूट नाते को उन्होंने प्रकट किया, और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तैक सोमिकैत। धन्यवाद। थैंक यू।